सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई। देखिए देखिए, ये इन सभी मानसिक सेवा का भाव चल रहा है, और यकीन मानिए अगर आप मानसिक सेवा में खड़े होकर के नृत्य करके मेरे ठाकुर को रिझाएंगे ना, तो मेरे ठाकुर जी भी आपके सपन में इसी प्रकार दर्श देंगे। तो खड़े होकर के नाच करके कहिए, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बजाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। बजाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। तेरा भुजा उठा करके कहिए प्यारे, तकती रह गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियां। चमकती हाय पर चीसी कलेजे डर गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई।
हाथों से हाथ पकड़ लिए और दोनों गोल गोल घूम रहे हैं और उन्हें देख करके दोनों भुजाएं उठा करके अग्रदेव जी और नाभा जी दोनों गाते जा रहे हैं क्या प्यारे श्री राधा 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 अग्रदेव जी महाराज और नाभा जी महाराज दोनों प्रिय प्रेतम के रूप को निहार रहे हैं और नाचते 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 प्रिय प्रेतम सरकार ओझल हो गए, नैन खोले, दोनों के चेहरे की छटा आज कुछ अनोखी सी है क्योंकि आज अपने सद्गुरुदेव भगवान की मानसिक सेवा में दर्शन कर लिया प्रिय प्रीतम सरकार का नाभा जी ने, इसलिए उनकी चेहरे की छटा आज अनोखी है। लेकिन अग्रदेव जी, आज अग्रदेव जी प्रसन्न है कि आज उनका शिष्य उनसे आगे निकल गया। सच्चा सतगुरु सदैव खुश होता है। जो माता पिता होते हैं उनकी क्या आस होती है, कोई और यदि उनसे आगे चला जाए, किसी के पिता ने एक बंगला बनाया हो उसके बेटे दो बंगला बना दे तो उसकी प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं होता, आगे निकल गया ना, ये तो संसारिक बात है। लेकिन आज अग्रदेव जी भी प्रसन्न है कि आज मेरी विपदा का समाधान मेरे शिष्य ने ऐसे ही कर दिया, केवल हवा बुहार कर, एक पंखा बुहार कर। केवल आज अग्रदेव जी ने नाभा जी को कहा कि नाभा जी, आज से आप और कोई सेवा नहीं करेंगे। ये बात आज से लगभग 400 वर्ष पहले की आपको बता रहे हैं, लगभग 400 वर्ष, इसी कली काल की घटना है कि आज से आपको और कोई सेवा नहीं करनी, आपको केवल और केवल भक्तों के चरित्र लिखने हैं, भक्तों के चरित्र लिखने हैं जिसका नाम होगा भक्तमाल। बोले श्री भक्तमाल भगवान की जय। नाभा जी बोले, प्रभु हे सतगुरुदेव भगवान, ये आप मुझे क्या जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? आप मुझे किसी भगवान का चरित्र कहते तो मैं लिख देता, श्री राम जी का, ठाकुर जी का, प्रिय प्रीतम सरकार का, राधा जी का, भगवानों के चरित्र आप मुझसे कहते तो मैं लिख देता, उनके स्वरूप का वर्णन करना होता तो शायद मैं कर देता, लेकिन भक्तों के चरित्र में कैसे गा पाऊंगा, किस प्रकार, किस भांति लिख पाऊंगा?
अग्रदेव जी ने कहा कि आपकी इस चिंता का निवारण भी कर दिया है नाभा जी, आज से आपका नाम हुआ श्री नारायण दास जी। क्या नाम हुआ? श्री नारायण दास जी। और आप जिस भी भक्त को याद करेंगे वो भक्त स्वयं आपके हृदय में आकर के प्रकट हो जाएगा और आपसे अपना चरित्र स्वयं लिखवाएगा। आप तनिक भी संदेह ना कीजिए। तो आइए जरा दोनों भुजा उठा करके जय घोष कीजिए। बोली श्री नारायण दास जी महाराज की जय, श्रीमद भक्तमाल ग्रंथ की जय। तो आइए नाभा दास जी, श्री नारायण दास जी भक्तमाल कथा को लिखने बैठे हैं। आज भी वह स्थान जयपुर गलता गादी में है। जो भक्त गए हैं उन्होंने दर्शन किए हुए होंगे और जो लोग अभी तक दर्शनों से वंचित हैं वो जब भी जयपुर जाएं या मंदिर कमेटी से कहें, मंदिर कमेटी तो हर जगह बस लेकर के जाती है, ये जरूर आपको वहां लेकर के जाएंगे, गलता गादी उस जगह का दर्शन करवा के लाएंगे, जयपुर गलता गादी। आज नारायण दास जी बैठे हैं पोथी लेकर के, क्योंकि जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण आता है, जो आज अभी हम इस वक्त कर रहे हैं ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण करने बैठे, मंगलाचरण के लिए नाभा जी ने सोचा कि मैं किसका हृदय में रूप धारण करूं, किसको सबसे पहले वंदन करूं, नमस्कार करूं। तो श्री नाभा जी वे श्री नारायण दास जी लिखते हैं क्या, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद पंदन किए नासत विगन अने। उन्होंने किसी गणेश जी का मंगलाचरण नहीं किया, शंकर जी का नहीं किया, किसी देवी देवता का नहीं किया। क्या लिखा है? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये नाम से अलग हो सकते हैं किंतु है एक ही। इनके पद बंदन किए और नासत विघ्न अनेक। ऐसा क्यों किया जानते हैं? क्यों किया ऐसा? अच्छा, किस किस के मन में संशय है जरूर हाथ उठाइए, संशय दूर होना चाहिए कि किसी देवी देवता का मंगलाचरण में क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि जब प्रभु श्री नारायण दास जी भक्तमाल कथा लिखने बैठे तो उनको याद आ गया कि उनके गुरुदेव ने कहा था कि जब आप भक्तमाल कथा लिखने बैठोगे, जब भक्तों को याद करोगे वो आपके हृदय में स्वयं आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो आज उनके भक्त उनके हृदय में भक्ति रूप समा गया, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया। उस भक्ति रूप में 24 अवतार मेरे ठाकुर जी ने जो लिए हैं वो सभी एक एक करके उनके हृदय में आने लगे, उनको दर्शन देने लगे। स्वयं राम जी पधारे, स्वयं शंकर जी पधारे, मां दुर्गा जी पधारी, हनुमान जी पधारे। नाभा दास जी ने कहा कि प्रभु मैं तो भक्त माल लिखने बैठा हूं, भगवान माल नहीं लिखने बैठा हूं, मुझे तो भक्तों का चरित्र लिखना है। आप सब आ गए मुझे आशीष देने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे तो भक्तों का चरित्र लिखना है। भगवान बोले, नारायण बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं क्या? बोले प्रभु जानता नहीं, मैं जानता हूं, मैं आप ही का ही तो सेवक हूं, आप प्रभु हैं, भगवान हैं। बोले नहीं, तुम क्या लिखने बैठे हो?
बोले भक्तमाल, तो भक्तमाल में किनकी कथा आएगी? भक्तों की कथा आएगी। तो सबसे पहले कौन से भक्त आएंगे? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। बोले मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, पहले मेरा नाम लिखो। नाभा जी बोले महाराज भगवान कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो भगवान हैं, भक्त तो आपके दास हैं। बोले जब भक्त मुझसे प्रीति करते हैं ना तब मैं भगवान हूं, लेकिन जब मैं भक्तों के काम करता हूं तो मैं उनका दास हो जाता हूं, उनका भक्त हो जाता हूं। अभी भी कईयों का संशय दूर नहीं हुआ हुआ, क्योंकि गूढ़ बात है ना, गहरी बात है। अच्छा ये बताइए, धन्ना जट का हल किसने हाका? किसने? भगवान ने ना। तो धन्ना जट का भक्त कौन हुआ? भक्त यानी सेवादार, सेवा का कार्य किया ना प्रभु ने। अरे किया कि नहीं किया बोलो। अच्छा अर्जुन का रथ किसने हाका? रथ कौन हाकता है? दास, भक्त। तो हुए ना प्रभु। भगवान ने अनेकों अनेक उदाहरण दिए कि अरे मैं ही तो त्रिलोचन के यहां अंतर्यामी रूप सेवादार बनकर के ही तो उसकी सेवा करने गया था, अर्जुन का रथ हांकने गया था। हाँ धन्ना जटका, मैंने ही तो सब कार्य किया। अरे मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, मैं चाहता हूं कि भक्तों से पहले सबसे पहले मैं बड़ा भक्त हूं, मेरा नाम आना चाहिए। तो इसलिए भक्तमाल में सर्वप्रथम लिखा गया भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। आगे लिखते हैं नाभा जी, मंगल आदि विचारी रही वस्तु ने और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। भक्त से बढ़कर के कोई है नहीं, अगर भक्त नहीं होते तो भगवान कहां होते हैं? लिखा है ना बिंदु जी ने, कितना प्यारा पद लिखा है कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, हम गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, हम गरीबों से ही है बादशाहत तुम्हारी। ये बिंदु जी ने ही तो लिखा है कि हे प्रभु भक्त से बढ़कर के कोई नहीं है, अगर भगवान को आज प्रकट किया है तो भक्तों ने किया है, इसलिए इससे बढ़कर कोई मंगलाचरण नहीं है, भक्तों को ही मंगलाचरण में रख दिया नाभा जी ने। आगे लिखा है संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघड़ के हरी के हरी दा। ये जो भक्तों को मंगलाचरण में रखा किस लिए लिखा, ये स्पष्ट कर रहे हैं नाभा जी कि मैं अपने आप अपने स्वतंत्रता से भक्तों को मंगलाचरण में नहीं रख रहा हूं। ये बात सुनने वाली है, अगर ये दो लाइन आपके समझ में आई तो आगे की बात समझ में आएगी, अन्यथा यहां तक शून्य रहा तो आगे भी शून्य रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नाभा जी कह रहे हैं कि संतन निर्णय कियो, संतों ने निर्णय किया है, मति श्रुति पुराण इतिहास, पुराणों से लिया गया है। कैसे? नेमी शरण्य में सुत जी 88,000 ऋषियों के साथ बैठ करके बैठक कर रहे हैं कि भैया बताइए संसार में सबसे बड़ा कौन है, कौन है सबसे बड़ा? तो एक संत बोले कि भैया सबसे बड़ी पृथ्वी है, दूसरे संत बोले कि नहीं,
पृथ्वी तो एक तिहाई भाग है, बाकी में तो जल है, जल है सबसे बड़ा। बोले अगस्त्य ऋषि ने तो उन्हें एक अंजलि में पी लिया। अगस्त्य जी बड़े हुए, बोले नहीं, सूरज देवता बड़े हैं, वो सबसे सबसे ज्यादा चमक देते, सबसे ज्यादा सबसे ऊपर है, वो है सबसे बड़े। किसी ने कहा नहीं, संत बोले नहीं, वो तो प्रभु की आंख का एक तारा है केवल, वो कैसे बड़े हो सकते हैं। किसी ने कहा तो भगवान सबसे बड़े, उनसे बड़ा तो कोई फिर है ही नहीं अगर भगवान की बात आए तो। सूत जी बोले नहीं, भगवान भी सबसे बड़े नहीं है, सबसे बड़े हैं भक्त जिन्होंने भगवान को अपने इस छोटे से हृदय में कैद करके रखा हुआ है, अपने इस हृदय में कैद करके रखा। ये निर्णय नेमि शरण्य में हुआ, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, वर्णन है। इसलिए नाम नाभादास जी ने लिखा, इसलिए नारायण दास जी ने लिखा कि संतों ने मिलकर निर्णय किया। मैं अपनी मति अपनी श्रुति से नहीं लिख रहा हूं, संतों के निर्णय से लिख रहा हूं कि भक्त सबसे अव्वल है, भक्त सबसे ऊपर है। और जो भक्तमाल लिखने बैठा हूं, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरण को नाहिन और उपाय। श्री नारायण दास जी महाराज की, बोले श्रीमद भक्तमाल ग्रंथ की। श्री नाभादास जी लिखने बैठे तो सबसे पहले नारायण के 24 अवतारों का वर्णन आता है भक्तमाल में, किस प्रकार भगवान ने अवतार लिए, सृष्टि पर असुरों का संहार किया, लीला रची, भक्तों को प्रेम दिया। आगे बहुत से भक्त, मीरा जी, त्रिलोचन जी, श्री पीपा जी, बहुत सारे भक्तों का नाम, सकुबाई जी, ऐसे ऐसे भक्तों का नाम लिखा, उनका चरित्र लिखा, चरित्र का बखान किया। आइए एक भजन के माध्यम से भक्तमाल कथा में प्रवेश करें। यहाँ तक मंगलाचरण हुआ है, आगे भक्तमाल कथा में प्रवेश करें एक छोटी सी वंदन के साथ, एक भजन के साथ, जिससे कि भक्तमाल के अंदर हमें भी नाभादास जी, हमें भी श्री नारायण दास जी अपनी कृपा हम पर बरसा सकें और यहाँ से ये कथा आप तक पहुँचा सकें। और भक्तमाल जब लिखने बैठे, जब ये सारी मंगलाचरण लिखा, प्रभु ने पूछा नाभाजी से कि सबसे पहले मेरे 24 अवतारों का वर्णन कीजिएगा। 24 अवतारों का वर्णन किया गया तो नाभादास जी के हृदय में एक बात आई। नाभादास जी ने पूछा कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां परीक्षित मुख्य श्रोता के रूप में बैठते हैं ना। भागवत कथा जब आप कराते हैं तो परीक्षित जी को बिठाया जाता है, जो जजमान होते हैं परीक्षित के रूप में बैठते हैं। जब रामायण जी की कथा होती है तो मुख्य श्रोता कौन होते हैं? हनुमान जी महाराज। भागवत होती है तो परीक्षित जी। तो जब भक्तमाल कथा होगी तो मुख्य श्रोता कौन होंगे? ठाकुर जी बोले, अरे मेरे भक्तों की कथा है, मुख्य श्रोता मैं ही हूं प्यारे, मैं ही हूं। तो इसलिए आपसे निवेदन किया कि कल जब भी आप आए तो अपने अपने लड्डू गोपाल जी संग में लेकर के आए, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को ये भक्तमाल कथा अति सुंदर लगती है, अति प्रिय लगती है। ठाकुर जी को रिझाने के लिए सहज और सरल उपाय है ये श्रीमद् भक्तमाल कथा का ग्रंथ। आइए एक भाव के साथ भक्तमाल कथा में प्रवेश करें। हरे कृष्णा
कृष्ण हरे हरे की धन वृंदावन नाम है धन वृंदावन धाम धन वृंदावन रसिक जन जो सुमिरे श्यामा श्याम हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 सभी हरि बोल 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी बोल हरी बोल
श्री राधा रानी सरकार की जय। देखिए कितना प्रबल होता है भजन, भजन की क्या शक्ति है। अभी हम यहां बैठकर के सोच रहे कि ठाकुर जी आप विश्वास मानिएगा, यहां बैठने से पहले हमने सोचा नहीं था किस भक्त की कथा कहेंगे, और जब प्रधान जी घर आए तब भी यही बात हुई थी कि जो ठाकुर जी सुनना चाहेंगे वही भक्त की कथा। ठाकुर जी स्वयं श्रोता है, स्वयं वक्ता है, जो जैसा वो चाहे वैसा हो। प्रधान जी कह रहे हैं कि अभी आरती का समय है, इसलिए कोई ऐसा भाव जो जल्द से पूरा भी हो सके, एक भक्त की कथा भी हो जाए और फिर कुछ संकीर्तन हो जाए और आरती अरदास हो सके। तो इसी बीच विचार आया कि एक ही भक्त है जिनका चरित्र अभी बखान किया जा सकता है, वो कौन है? श्री ब्रजदास जी महाराज। आइए जरा दोनों भुजा उठा करके बोले श्री ब्रजदास जी महाराज की। कौन है श्री ब्रजदास जी महाराज, जिनको श्री राधिका रानी ने उनकी पुत्री के रूप में आकर के दर्शन दिया। ब्रजदास जी कि एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया, नाम था रतिया। ब्रजदास जी के नियम था कि दिन भर अपना कार्य करना, मजदूरी करनी, और साय बेला राधा रानी के बरसाने अटारी पर चले जाना और वहां जाकर के श्री राधा 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 नाम का गायन करना, उस करुणामयी निधान मेरी श्री राधा रानी के दर्शन करना, उन्हीं की सेवा में खो जाना, मानसिक सेवा करनी, आंसू से अश्रु प्रवाह होते रहता और दोनों भुजा उठा करके गाते रहते राधा 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 राधा। आइए जरा दोनों भुजा उठा करके गाइए ताकि ब्रजदास जी महाराज की कृपा आज हम पर भी हो सके। राधा 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 कर लीजिए और सोचिए श्री राधा रानी की अटारी पर है, सामने श्री राधिका रानी अपने कुंज में बैठी है, अपने कक्ष में बैठी है और केवल मुझे निहार रही है, मैं उन्हें निहार रहा हूं। दोनों भुजा उठा करके गाते रहिए राधा जाइए। राधा राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 किस चीज से भरवानी है? एक बार एक दुकान पर सेल लगी थी, वहां लिखा था जिस भी चीज पर हाथ रखोगे चीज वो आपकी। कुछ समझदार माताएं बहनें गईं, कुछ साड़ियों पर हाथ रख कर के साड़ियां ले आई, कुछ सूट पर हाथ रख के सूट ले आई, लेकिन समझदार नारी वो निकली जो दुकानदार पर हाथ रख के दुकान भी अपनी कर लाई और सारा माल भी अपना कर लाई। तो कुछ और नहीं मांगना भक्ति महारानी से, श्री राधिका रानी से, केवल राधा रानी को राधा रानी से मांग लीजिए। फैला करके झोली कहिए, ओ कर्म तुम ना करोगी तो कर्म कौन करेगा, ओ कर्म तुम ना करोगी तो कर्म कौन करेगा, ओ कर्म तुम ना करोगी तो कर्म कौन करेगा, ओ कर्म तुम ना करोगी तो कर्म कौन करेगा, ओ झोली तुम ना भरोगी तो झोली कौन भरेगा, ओ झोली तुम ना भरोगी तो झोली कौन भरेगा, ओ झोली तुम ना भरोगी तो झोली भुजा।
और ब्रजदास जी की तरह राधा 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 राधा। और यही उनका नियम था, राधा 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 राधा। अटारी पर पहुंच जाना, श्री राधिका रानी के सम्मुख जाकर के दोनों भुजा उठा करके श्री राधा नाम संकीर्तन करना। वहां जो मंडलियां आती उनके संग बैठ जाते, घंटों घंटों संकीर्तन करते, वापिस नीचे आते अपनी कुटिया पे, भोजन करते, शयन करते, सुबह मंगला में फिर पहुंच जाते। एक दिन ब्रजदास बाबा को एक संत मिले जो बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, बाबा मैं आपको रोज देखता हूं, आप यहां आते हो, राधा राधा नाम में ऐसे खो जाते हो, आपको अपने तन की कोई परवाह नहीं रहती, कोई शुद्ध नहीं रहती, घंटे घंटे नाचते हो, कूदते हो। ब्रजदास जी ने कहा, ये तो मेरी करुणा निधान, मेरी श्री राधा रानी की कृपा है जो हम उसका नाम ले पा रहे हैं। अरे श्री राधिका रानी के शरण में आने वाला जीव कोई आम जीव नहीं है, वो जरूर प्रभु की लीला के समय कोई कण रहा होगा, कोई तरु रहा होगा, पत्ता रहा होगा, कोई फल पुष्प रहा होगा, कोई पशु पक्षी रहा होगा, हम उसी सहचरी दल के हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री राधिका रानी ने इस जन्म में भी अपने से दूर नहीं रखा, अपने करीब रखा है। आप सब भी उसी सहचरी भाव के हैं जो यहां पर श्री राधिका रानी की सदैव सेवा में लगे रहते हैं। एक बार जरा अपने लिए जय घोष कीजिए, बोलो श्री राधिका रानी की, बोली बरसाने वारी की, बोली ऊंची अटारी वारी की, क्योंकि आप सब भी उसी सहचरी भाव की है। ठाकुर जी की इस भक्त माल कथा का न्योता केवल आपको नहीं था, बहुत लोगों को था, लेकिन यहाँ जो आप लोग पहुंचे हैं ना, आप नहीं पहुंचे, ठाकुर जी चाहते थे मेरे नाम की कृपा केवल इन बच्चों पर पड़े, इन भक्तों पर पड़े, केवल आप पर पड़े। संत ने पूछा, ब्रजदास जी ने बताया, संत ने जिज्ञासा की कि मैं नंदगांव जाना चाहता हूं, किंतु मेरा शरीर अब बुजुर्ग हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं वहां तक अकेले जा नहीं सकता, यदि आप कोई बंदोबस्त कर दे तो मैं नंदगांव नंदलाला के दर्शन कर आऊं। ब्रजदास जी बोले, महाराज ये तो कृपा है कि आपने मुझसे जिज्ञासा की है, ये मेरा सौभाग्य है, आपको किस समय जाना है नंदगांव? बोले, सुबह सुबह राधा रानी की मंगला के दर्शन करके फिर हम नंदगांव चलेंगे। ब्रजदास जी बोले, ठीक है बाबा, मैं सुबह सुबह मंगला करके आपको यहीं से ही ले चलूंगा। रात को बाबा कुटिया पर पहुंचे और अपनी बेटी, क्या नाम था बेटी का, पीछे वाले बताइए क्या नाम था, रतिया, इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, बहुत सुंदर, रतिया नाम बेटी का, बेटी से कहा कि बेटी रतिया, सुबह मेरे लिए कुछ पकवान बना देना, मेरे साथ एक बाबा है, उनको नंदगांव छोड़ने जाना है, मैं सुबह काम पर ना जाकर के बाबा को नंदगांव छोड़ आऊं, बाबा बुजुर्ग है अकेले नहीं जा सकता, तो मैं उस बाबा को छोड़ने जाऊंगा, संत भगवान को छोड़ने जाऊंगा। रतिया बोली, ठीक है बाबा, जैसा आपका आदेश। रतिया सुबह सुबह उठी, बाबा मंगला के लिए ब्रजदास बाबा चले गए अटारी, और इधर रतिया ने खाना पका दिया, भोजन इत्यादि थोड़ा सा साथ में बांध दिया, और ले दौड़ी अटारी की ओर की बाबा को पकड़ाया हूं, मैं झोली भी बाबा को पकड़ा आई,
कि बाबा रास्ते के लिए भोजन है, लेकिन ब्रजदास बाबा वहां फिर ब्रज मंडली के साथ भजन कर रहे हैं, राधा 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 राधा, और ऐसी धुन में खो गए कि वो भोजन की पोटली वहीं भूले आए, अटारी पर ही भूले आए, और संत भगवान को संग लेकर के नंदगांव चल दिए, क्योंकि संत वे बुजुर्ग बाबा बहुत बुजुर्ग थे, उन्हें चलते 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 काफी समय लग गया, शाम हो गई, पहुंचते पहुंचते रुकते 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 पहुंचे। वैसे ज्यादा दूर नहीं है बरसाना से नंदगांव, किंतु बाबा बुजुर्ग थे इसलिए काफी समय लग गया। बाबा पहुंचे, संत भगवान को लेकर के रास्ते में आपस में राधा नाम की चर्चा करते 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 नंदगांव की सीढ़ियों से ऊपर ले गए बाबा को पकड़ पकड़ के, और ऊपर ले जाकर के कहा कि बाबा लो नंदलाला का दर्शन कर लो, तुम्हारे नंदलाला का नंदगांव आ गया। ऊपर अटारी पर जाकर के, महल पर जाकर के संत भगवान और ब्रजदास बाबा जी ने नंदलाला को दंडवत की, उनका दर्शन किया। बोले नंदलाला की जय हो, बोले श्री नंदगांव की जय हो। दर्शन किए और बाबा का सामान रख दिया, बाबा ये आपका सामान है, अब हम चल रहे हैं। बाबा बोले अरे भैया प्रसादी बनी हुई है, प्रसादी वितरित हो रही है, प्रसादी तो पालो, थके आरे आए हो, थोड़ा जल पानी ग्रहण तो कर लो। ब्रजदास बाबा रो पड़े, बोले बाबा बाबा मैं यहां का जल नहीं पी सकता। संत भगवान हैरान हो गए, अरे इतनी भक्ति है तेरे में, इतना तू प्रभु का नाम लेता है, राधा 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 गाता रहता है, यहां का जल क्यों नहीं पिएगा। बोले राधा रानी ना हमारे गांव की बेटी है, यहाँ की बहू है, मैं अपनी बेटी की ससुराल का जल नहीं पी सकता बाबा, जल नहीं पी सकता। ताली मत बजाया कीजिए, दोनों भुजा उठा करके, अरे मैं कह रहा हूं ताली मत बजाया कीजिए, राधा राधा कह दिया करिए हाथ उठा करके, बोल राधा रानी की। ताली केवल तमाशे में बजाई जाती है, और यहां तो भक्तमाल कथा है, तमाशा थोड़ी ना, इसलिए जय घोष किया कीजिए दोनों भुजा उठा करके। बाबा रोते रोते सीढ़ियों से नीचे उतर आए, अपने गांव बरसाना की ओर जा रहे हैं, चूंकि सुबह से कुछ जलपान लिया नहीं था इसलिए उन्हें मूर्छा आ गई, गिर गए। जब गिर गए तो रतिया ने आकर के जगाया, बेटी ने रतिया ने आकर के जगाया, अरे बाबा, जल छिड़का उनके मुख पर, बाबा तुम तो जल्दी आने वाले थे, इतनी देर हो गई, अभी रास्ते में ही हो, जल्दी आओ, घर पर साधु बाबा आए हैं। उनके मित्र का नाम था साधु बाबा। बोले साधु बाबा आए हैं, आपसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं, मैंने उन्हें कहा है आप बैठो, मैं अभी बाबा को देख करके आती हूं, जल्दी आ जाइए घर पर, और लीजिए मैं आपके लिए भोजन भी लाई हूं, मुझे मालूम है आप ऊंची अटारी पर ही भूलाए अपना भोजन, लीजिए। भोजन कराया रतिया ने, रतिया भोजन करा रही है अपने बाबा ब्रजदास जी को, ब्रजदास जी हस्तपुष्ट हो गए पुनः, और फिर वापस बरसाना आ गए। चलते चलते रतिया ना जाने आंखों से कैसे ओझल हो गई, घर पहुंचे ब्रजदास बाबा, और बाबा कहने लगे रतिया ये बेटी रतिया। बोले जी बाबा आ गए। बोले आ गए, अरे तू ही तो संग लाई है। बोले बाबा क्या बात कर रहे हो, मैं तो सुबह से घर पर हूं। बोले अच्छा वो साधु बाबा मेरा मित्र। बोले कौन साधु बाबा, कौन सा मित्र। बोले तू कह रही है घर पर आए बैठे। बोले वो तो आए थे कुछ सामान देकर के चले गए, ये तुम्हारी पोटरी जो तुम ऊपर भूल आए थे, ये वो पोटरी आपकी जिसमें मैंने भोजन बांध के दिया, वो दे करके चले गए। बोले तो जो तू भोजन करवा करके आई वो। बोले बाबा क्या हो गया तुम्हें, मैं तो घर हूं कहीं नहीं गई। तो बाबा दौड़ पड़े अटारी की ओर, राधा 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 करते
करते करते कि अरे आज वो रतिया नहीं, अरे वो मेरी किशोरी मुझे मेरी बेटी बन के दर्शन देने आई। और मैं कितना भागा, कितना भागा, मैं अपनी राधा रानी के चरण को स्पर्श भी ना कर सका। ब्रजदास जी भागते जा रहे हैं और ऊपर अटारी पे पहुंच गए, दोनों भुजा फैला करके कह रहे हैं, राधा, राधा दोनों उठा उठा करके, भुजा उठा करके गई, राधा बताइए ब्रजदास बाबा की तरह कौन कौन चाहता है मेरे घर पे एक दिन तो किशोरी आ जाए, एक पल तो किशोरी जो आ जाए, कौन कौन चाहता है। लेकिन ऐसी हस्ती रखने से पहले अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है प्यारे, ध्यान रखना। तो जरा शर्म लिहाज को एक तरफ रख करके अपनी जगह पर खड़े होकर के कहिए, जिसको श्री राधिका रानी से अति प्रेम हो वही कहिएगा, बाकी बैठे रहिए प्यारे। Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 सही, एक पल के लिए ही सही, एक क्षण के लिए ही सही, आप हमारी कुटिया में भी पधारो ना, कौन कौन चाहता है। तो आइए जरा किशोरी जी को चिट्ठी भेजे, चिट्ठी लिखनी है श्री जी को, कहना है क्या वो चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, चिट्ठी लिख किशोरी जू के नाम, बुला लो मुझे परेशाना, चिट्ठी लिख दी किशोरी जू के नाम, बुला लो मुझे परेशाना, हो ना जाए, हो ना जाए,
हो न जाए जीवन की शान, बोला लो बोले बड़े लो मुझे मरे किशोरी झुकना बुला लो मुझे मरे सा चिट्ठी लिख दी की चोरी झुकना बुला लो मुझे परेशाना लिख दी किशोरी झुकना बुला लो मुझे परेशाना परेशानी में जाकर रहूंगी परेशानी में जाकर रहूंगी परेशानी में जाकर जाकर रहूंगी जाकर हूँ जाकर ही रहूंगी जाकर हूँ जाकर ही रहूंगी सेवा ओ तेरी सेवा करूंगी निष्ठा बुला लो मुझे परेशानी किशोरी झुकना बुला लो मुझे परेशान लिख दी की चोरी झुकना बुला लो मुझे परेशाना लिख दी की चोरी झुकना बुला लो मुझे परेशाना हो परेशाना परेशाना ये है परेशाना 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 ये है परेशाना परेशाना अपने आप सुलझ जाएंगे तेरे उलझे धागे अपने आप सुलझ जाएंगे राधा रस जब पियोगे तो सोई किस्मत जागे राधा रस जब पियोगे तो सोई किस्मत जागे जब अपनों से चोट लगे तो जब अपनों से चोट लगे तो जब अपनों से चोट लगे तो जब अपनों से चोट लगे इस दर पे आ जाना ओ परेशाना परेशाना ये है परेशाना 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 ये है परेशाना ओ हो परेशाना
बरसाना, ये है बरसाना, बोली बरसाना धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। बरसाना का नाम था वृषभानुपुरा, लेकिन अब हो गया बरसाना। जानते हैं क्यों? क्योंकि सभी तीर्थ पर कृपा की जाती है और केवल बरसाना में कृपा बरसाई जाती है, इसलिए उसका नाम है बरसाना। आइए आरती, और कल कथा ठीक 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी।